चढ़दी कला टाइम टीवी देख रही सारे दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह असी एक बार फिर तुहाडे रूबरू होए आ पटियाला की कोरोना महामारी और होर खबरों की अपडेट नूं लैके। स्वागत कर लैंदे आ पहला अमरजीत जी दा। अमरजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरजीत जी, अज सब तो पहला कोरोना महामारी की रोज गल करते, उहदी गल ही करांगे। किन्ने नवे केस अज एड ऑन होए आ ते किन्ने हुण ठीक होके घर चले गए ते हुण जिले च किन्ने केस सिस्टम पेंडिंग हैगे आ जी? बिल्कुल, जिस तरह कोरोना महामारी की गल की जाए तकरीबन 1625 जिहड़ियां रिपोर्टां ने अज सेहत विभाग नूं प्राप्त होईआं, जाने कि 1000 दे करीब जिहड़े कल सैंपल जिहड़े ले गए सी, अज 600 दे करीब जिहड़े सैंपल दी रिपोर्ट प्राप्त होई, जाने कि टोटल 1625 रिपोर्टां जिहड़ियां अज प्राप्त होईआं, जिन्हां विचों जिहड़ा कुल केस जिहड़ा पटियाला जिले नाल संबंधित ने 60 केस जिहड़े ने अज कोरोना महामारी दे आए ने। इह 60 केस जिहड़े ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दे, कोई जिहड़ा सीरीयस केस नहीं है जेकर आपां गल कीती जाए। इह 60 केस जिहड़े ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जाने कि फ्लू लक्षण ने, कोई खांसी है, कोई जुकाम है, आपां प्रोपर तरीके नाल कहदा जदों उहदा टैस्ट कीता तां कोरोना महामारी आपां कह नहीं सकदे वी इहनां नूं वी हाँ कोई सीरीयस केस है जां कोई इस तर्हां दा कोई केस नहीं है। जी अमरजीत जी, मौतों का की आंकड़ा जिले चाहिए? जी मौतों की गल की अज बड़ी रात की खबर है कि अज कोई पटियाला जिले के जी कोई मौत नहीं हुई, तो शुक्र है परमात्मा का कि इस जरा कोई कोरोना महामारी अच्छे जी मौत नहीं सामने आई सी। अमरजीत जी, कल तो नवरात्रे शुरू है जी। पटियाला जिले के SSP ने अज पटियाला विखे जरा पुराना पुरातन मंदिर है काली माता का, उत्थे अज जाके सारी अज चैकिंग की है। की कहना सीगा उन्हों का? जी बिल्कुल, जिस तरह प्राचीन मंदिर है जरा श्री काली माता मंदिर जो पटियाला स्थित है, जो नराते जोड़े ने कल तो शुरू होने वाले, जो संगत जो संगत उ दर्शन करने वास्ते आने काली माता मंदिर की, क्योंकि भारी तादाद के संगत जी उत्थे आती है, क्योंकि जरा रोड की गल की जाए शीर गेट तो लैके जो फुहारा चौंक तक जो सारा प्रोपर तक जाम बंद करता गया, क्योंकि संगत भारी तादाद के आदि ने। इस करके SSP ने आप विक्रमजीत दुग्गल जरा पूरी अपनी टीम के ना दौरा किया, पुलिस प्रशासन ड्यूटियां लगाई ने भी किसी भी किस्म के जरा जो श्रद्धालु आने के उन्होंने किसी तरह का दिक्कत का सामना ना होना पाए। जी अमरजीत जी, 19 तरीक को स्कूल तो आईलैट सेंटर खोलने जा रहे हैं जी। अज सिक्ख्या मंत्री का पटियाले दौरा सीगा, की उन्होंने दौरे दौरान चैकिंग कीतियां ते की गाइडलाइनस दित्तियां या की कोई नवी गलबात कीती उन्होंने? जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान जिहड़े सारे जिहड़े प्राइवेट अदारे जां आपां सारे कह रहे कारोबार बार जिहड़ा बंद हो चुका जी, स्कूल भी जिहड़े बंद सन, पर जिहड़ा पंजाब सरकार ने 19 तरीक नूं जिहड़ा स्कूल खोलण दा ऐलान कीता, इस नूं लैके सिक्ख्या मंत्री वजिंदर सिंगल वालों पटियाले दे कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया गया, जिनकी मेन स्कूल की गल कीता मल्टीपर्पज स्कूल जिहड़ा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, पुलिस लाइन स्कूल ते कई होर भी स्कूल ने जिन्हां दा दौरा किया गया। खास तौर पर जिहड़ा टीचरां ते प्रिंसीपलां नूं हदायतां दित्तियां गईआं ने कि स्कूल के बेंच ने जाने की जितने बच्चों ने बैठना और जी वो विथ बनाई जाए, जाने की दूरी रखी जाए, जिस तरह कोरोना मार जो हैल्थ जो डिपार्टमेंट के गाइडलाइन ने, इस जो सैनेटाइजर जोड़े ने रूम के अंदर जाने की आप कहते क्लासा स्थापित किए गए हैं, इस उन्होंने कहा भी जेकर पेरेंट की परमिशन होगी तो ही बच्चा जरा स्कूल क्या लिखती रूप से परमिशन होगी तो भेजा। कोई ऑड इवन भी शुरू किया भी उन्होंने या लिमिटेड कोई विद्यार्थियों की कोई रखी है भी इन्ने विद्यार्थी क्लास हो गए या नहीं कुछ? जी बिल्कुल, उन्होंने दो बैच बनाए हैं, जिस तरह व्डिया क्लासा की गल की जाए जी शुरू हो रहे हैं, दो बैच बनाए गए हैं, जिस तरह उन्होंने कहा सिर्फ 3 घंटे क्लासा लगन गया, 3 घंटे तो बाद जो प्रोपर देखें जी टीचर जिमें पहला एक पीरियड के एक टीचर आता है, हूँ जिस तरह एक क्लास के 100 बच्चे होंगे सन तो वो जरा भारी मात्रा में पै जाते सन बच्चे, पर उन्होंने कहा जो 100 बच्चे ने वो 50 के कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 50-50 बच्चे करके दो टीचर जो हम पढ़ाया करेंगे, यानी कि 100 बच्चों ने पहला एक टीचर पढ़ाता है, हूँ 100 बच्चों ने जो दो टीचर पढ़ाया करेंगे, दो टीचर पढ़ाएंगे। चलो चंगी गल है, एक तो टीचर का बच्चों के उपर कि नाम है निरंतर बनया रहेगा, कोरोना ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जेकर एक कमरे के 100 बच्चे होंगे तो कितना कितने जो कोरोना महामारी डर होगा, पर नाले खास तौर पर भी गया कर जो पेरेंट्स लिख के देंगे वही बच्चा जोड़ा वो स्कूल के एंटर हो सकेगा। जी अमरजीत जी, अगली खबर की गल करते हैं, गैंगस्टर फड़िया गया दिलप्रीत बाबा, कितों अरैसट होया कि सूचना के आधार पर फड़िया गया कि नाम है कुछ जा रहा है पुलिस को देख गया तो फड़ लिया? जी बिल्कुल, जिस तरह दिलप्रीत बाबा पहला जो गैंगस्टर पुलिस के जो हथ जरा है उन्होंने रिमांड लिता, तो पहला भी जो सीटा वाले सीटा वाला पिंड नाबे के कोल उत्थे जो गड्डी खोई गई थी वारदात की, कई हथियार भी बरामद किए गए, तो उन्होंने ही साथी जो अज दो ने सीटा वाले के करीब जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो गड्डी भी बरामद की गई है, कोई असला भी बरामद किया गया, दो साथी ने जो कि जिन्हों के उपर जो कई मुकदमे पहला भी दर्ज ने फरार दिए जा रहे सन, पुलिस ने उन्होंने जो हथियार होर जो कुछ कैश भी जरा दसा जा रहा बराबद किया। अमरजीत जी, क्राइम वाली अगली गल करते हैं, बहादुरगढ़ की आप कल खबर दसी सी जिथे कल लाश बरामद हुई है, अज उहदी अगे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंदे नूं अरैसट किया, क्यों होया सी, कारण की सी कतल दा? जी बिल्कुल, जिस तरह कल बहादुरगढ़ विखे जो पेट्रोल पंप से जो एक लाश मिली सी जो झाड़ियाँ जो खाली जगह बनी हुई सी, तो जो पुलिस ने अज जरा एक दोषी जो गिरफ्तार किया जिसने जो मर्डर किया, जरा दसा जा रहा कि पैसे का जो कोई किसी का जो पैसे का लैंड देन से जो नहीं चुका सकता इस करके जो मर्डर करके
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਡੇਲੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਲਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਜੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 29 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋੜ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।